हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ऑन इंडियन मुस्लिम्स, लद्दाख क्राइसिस, मोदी राहुल केजरीवाल। तो चलो इनका पॉडकास्ट देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी से आप 4 महीने 1 दिन छोटे हैं, फिर भी छोटे हैं, युवा नेता कहकर बुलाया जाता है, आपको उनसे ईर्ष्या तो नहीं आती? कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। बीजेपी की एक बुरी बात, व्यक्तिगत रहने दी, वॉशिंग मशीन है भाजपा, तो कहना क्या चाह रहे हैं, गंदगी गठरी कहाँ है? कि आप लोग विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल जी जेल में, हेमंत सोरेन जी जेल में, ऐसे तो फिर 400 के आप लोग 500 बार कर लेंगे। सर प्लीज ये मत करिए, वरना लोग चैनल बदल देते हैं। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर जो हो रहा है वहाँ के जो हालात हैं, तो उसी तरफ सोनम वांगचुक जी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कुछ डिमांड है, क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्या अगर कर भी रहे हैं तो क्या जनता तक तो वो बात नहीं पहुँच रही है? ये रिस्की क्वेश्चन तो नहीं पूछ रही? नहीं, रिस्की नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं वो सेंटेंस ही नहीं बोला, वो वर्ड आया नहीं है जिस वर्ड को लेकर हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन सर, जांच एजेंसियाँ इंडिपेंडेंट है ये बोला तो जाता है आप लोगों की तरफ से, फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जो पिछले 10 सालों में केसेस फाइल किए हैं उनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के, क्योंकि वही करेक्ट हैं। ऐसी ऐसी बात हमारे सीनियर ने बता दिया, सब लोग वगैरह पड़े बोल देते हैं। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि वाजपेयी जी के बारे में कि आदमी तो भले हैं लेकिन गलत पार्टी में। तो आप डिबेट्स में जाते हैं, इतने लोगों को मिलते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को मिलते हैं, आपको उनमें से कोई ऐसा लगता है जो अभी आपके तरफ नहीं आया है या बीजेपी में नहीं आया? मुसलमानों का इतना नुकसान हुआ कि उनको गोटी पिला दी गई। महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? फिर भी समझ गया, क्या हो गया, कुछ बोला नहीं, प्रॉब्लम चाइल्ड। अरविंद केजरीवाल कितना बदल गया इंसान, कितनी हो गई। देखिए आरसीबी तो इस साला कप नम दे, क्या कप तो देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। वाह, है तो भैया, नाम तो हो रहा है भैया अपने भारत। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा पहला एपिसोड द रौनक पॉडकास्ट। स्वागत 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 आप सभी लोगों का आज के इस पहले एपिसोड में। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये चाहें तो विकिपीडिया को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और तो और गूगल मैप भी जब रास्ता भटकता है तो सर को फोन लगाता है कि सर भटक गए हैं, थोड़ा गाइड करिए। और तो और फरवरी और मार्च के महीने में जब मौसम बदलता है तो इतना तो लोग वायरल नहीं होता जितने वायरल सर के वीडियोस हो जाते हैं। हर न्यूज चैनल की पहली पसंद, और जिस भी प्रोग्राम में आ जाए उसके सुपर हिट होने की गारंटी हो जाती है, इसीलिए तो हमने अपने पहले पॉडकास्ट में और इस एपिसोड में सर को बुलाया है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियों से स्वागत करें विकिपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सुधांशु त्रिवेदी जी का। सर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, आपका स्वागत है। कैसे हम जी? नमस्कार, चुनावी रौनक चढ़ रही है जी, तो रौनक के शो में आना तो बनता ही। यस, थैंक यू वेरी मच। वैसे राहुल गांधी जी से आप 4 महीने 1 दिन छोटे हैं, फिर भी अक्सर उन्हें युवा नेता कहकर बुलाया जाता, आपके नाम के आगे कभी मैंने नहीं सुना कि युवा नेता सुधांशु त्रिवेदी जी, तो आपको उनसे ईर्ष्या तो नहीं आती? चलिए चेक कर लीजिएगा आप, आपको तो सारे फैक्ट्स पता होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने लंबे समय तक युवा रह जाते हैं कि तब तक बहुत कुछ निकल जाता है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, और पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, वो युवा ही देखते रहे, और तब तक सब कुछ कांग्रेस के कारवां में गुबार ही गुबार बच पाया और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर फिर भी कांग्रेस के लोग ये करेंगे कि आपने ईर्ष्या हुई इसका जवाब नहीं दिया आपने शेर पर। कांग्रेस पार्टी में क्या है कि वो थोड़ा टाइम लैग में पीछे चलते रहते हैं, वहाँ 60 साल से ऊपर की भी बेटी कहलाती है, 50 साल से ऊपर वाले युवा कहलाते हैं, और 35 से ऊपर वाले छात्र कहलाते हैं। सर आपके हर एक व्यूअर का यही सवाल होता है उसके जहन में कि आप किसी भी टॉपिक पर लगातार बोल सकते हैं और
सिर्फ ऐसा नहीं बोलते कि वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से, वो रिलेटेबल भी होता है, लोगों को समझ में भी आ जाता है। तो जानती रही आपकी, आपके पिताजी हिस्ट्री के लेक्चर थे, अगर मैं सही हूँ तो, माता जी हिंदी की लेक्चर थी, तो पढ़ने लिखने का जो संस्कार था या शौक था वो पहले से ही डेवलप था इसके बारे में? देखिये बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे पिताजी हिस्ट्री के और माता जी हिंदी के लेक्चरर थे, इस कारण से घर में थोड़ा एकेडमिक वातावरण था, साहित्यकारों का बहुत आना जाना था। बचपन में मुझे सौभाग्य मिला बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलने का, महादेव वर्मा जी के साथ तो हमारी बच्चे थे इतने छोटे तक की फोटो भी है, शिवमंगल सिंह सुमन, अमृतलाल नागर, वी ओ बी हरी, इन सबको सुनने देखने का मौका मिला। हिस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स घर आते थे जी, हमारे फादर एक लेक्चर सीरीज कराते थे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पहले रविवार को, किसी न किसी गंभीर विषय के ऊपर, उसमें बड़े बड़े लोगों के लेक्चर सुनने का मौका मिला। तो एक अलग प्रकार की जानकारी बचपन से, यानी ये मैं तब की बात कर रहा हूँ व्हेन आई वाज इन क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ईयर की बातों को 1980 82 81 83, तो उस दौर से उन चीजों को सुनने समझने का मौका मिला। फिर जब आप बड़े होते हैं तो जो आपके मन में इम्प्लांट आ गया इंफॉर्मेशन का, फिर आप बड़े होकर उसको एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, फिर एनालिसिस के बाद धीरे धीरे आप उसको सेटल कर लेते हैं। तो पहले तो है कि आपकी रुचि हो, दूसरा ऐसा वातावरण हो जहाँ उन प्रश्नों का समाधान निकल सके। जैसे मैंने बताया मैं बहुत बच्चा था, 1981 में अक्टूबर में अनवर सादात की हत्या होती है इजिप्ट के प्रेसिडेंट की, बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैंने अपने फादर से पूछा कि ये क्या मामला है, उन्होंने पूरा अरब इसराइल को का जो कॉन्फ्लिक्ट का बताया। मैं बहुत बच्चा था पर मेरे दिमाग में कुछ तो आया ना कि अरब इसराइल का संघर्ष है और ये विषय, और बड़ा हुआ 88 89 में उसको पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग में आए पढ़ा, और तब से मेरे दिमाग में आप ये समझिए कि ये 40 साल से अरब इसराइल संघर्ष वाले विषय के मामले में आपके हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें सुनते आ रहे हैं। तो हर कालखंड में जो घटना हुई वो उसमें सेटल होती चली गई जी जी। तो इस कारण से आपको लगता है कि बहुत गहरा अध्ययन है, वो क्या है कि लंबे समय में आपने उन चीजों को पढ़ा है और उसमें रुचि रही, उस कारण से समय समय पर उस विषय के बारे में जानकारी स्वतः आपके मन में आ जाती है। तो क्योंकि एज अ पेरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सही बात बोली कि उस टाइम पे अगर पिताजी ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो आपकी क्यूरियोसिटी और नहीं बढ़ती। तो आजकल के पेरेंट्स को आप, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आजकल के पेरेंट्स एक मामले में, तो हमारे पीढ़ी के जो पेरेंट्स थे, यानी हमारी पीढ़ी वाले लोग तो इस समय पेरेंट्स ही हैं, तो उनसे बेहतर स्थिति में है क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन की एज है। पहले तो यानी मान लीजिए उस पीढ़ी में तो कोई पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, अन्यथा अगर वो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कहाँ जाके लाइब्रेरी में किताबें खोजेगा और तब पढ़ेगा। तो इतना कुछ है, पढ़ सकते हैं। तो मैं आज के अभिभावकों से कहूंगा, आज के जो माता पिता उनसे कहूंगा कि आप भी सभी विषयों के ऊपर जागरूकता के साथ जानकारी रखिए, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क बहुत क्यूरियस होता है, वो आपसे 70 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जी, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। जैसे छोटा सा उदाहरण होता है कि बच्चा पूछता है कि साहब हम जब कार में चल रहे हैं या स्कूटर मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हैं या ऑटो में चल रहे हैं, तो ये चंद्रमा हमारे साथ क्यों चल रहा है, तो आपको उसका पूरा साइंटिफिक उत्तर बताना चाहिए। बच्चा पूछता है आसमान नीला क्यों है, तो आपको स्कैटरिंग का पूरा आधार बताना चाहिए। उसी प्रकार से यदि राजनीतिक विषयों में कोई बच्चा पूछे तो बात बतानी चाहिए, क्योंकि तब उन आपके बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसका आप एक सॉलिड बेस तैयार कर सकते हैं। परफेक्ट सर, तो पेरेंट्स की तो बात हो गई, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ के फिर मैं पॉलिटिकल सवाल पर आऊंगा। आपकी वाइफ 8 मई को आपकी शादी को 15 साल हो जाएंगे, याद होगा आपको मैरिज एनिवर्सरी, लोकसभा का चुनाव था, अच्छा 2009 का लोकसभा का चुनाव था। तो मैम से कैसे मुलाकात हुई और अगर उसके बारे में थोड़ी बातचीत? नहीं, मैं तो हमारी तो प्योरली अरेंज मैरिज थी। प्योरली अरेंज मैरिज, तो ऐसा कौन सी एक बात है मैम की जो आप, जिससे आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस हो? देखिए ये तो कहना उतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब आप सबसे पहले जी किसी के बारे में डिटेल देखते हैं जी, तो फर्स्ट स्टेज में अब देखिए जिन लोगों का लव मैरिज है वो तो अलग बात है। ये रिस्की क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया? नहीं, रिस्की नहीं, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं भाई, वो तो पहले ही मिली है जी, तो भैया जानकारी तो बाद में मिली जी, तो आपके मन में जो होना था वो तो पहले ही हो गया, तो वैसे तो उस जानकारी का कोई महत्व ही खत्म हो गया ठीक। मगर यदि आप पहले जानकारी ले रहे हैं तो जैसे पहले आपके पास क्या आता है, आपके पास डिटेल आएगा और फोटो आएगी, तो डिटेल में उनका IIT से PhD होना वो मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया, क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड के थे जी, तो पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों से, मैं खुद इंजीनियरिंग की फील्ड से था, तो उस कारण से दैट बिकम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन
फिर मुलाकात होना, बातचीत में उनके माता पिता परिवार का वो, फिर हमारी माता जी गई थी साथ में, उन्होंने जो अपना असेसमेंट किया, उस समय तक हमारे फादर नहीं थे, तो फिर जो जी माता जी ने कहा वही ठीक है सब। इसी पे एक और टिप, क्योंकि आपने अभी इससे पहले पेरेंट्स के लिए बोला, जब आप एक लाइफ पार्टनर को चुनते हैं तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने पूरी दुनिया देखी है, हर मुद्दे पर आप बड़े सटीक तरीके से बताते हैं, व्हाट इज दैट वन फैक्टर डू यू सजेस्ट? देखिए यहाँ पर मैं एक दूसरी बात कहूँगा जी सर, किसी भी व्यक्ति से पूछिए भाई तुम्हारे मन में कभी ये भाव तो नहीं आता कि अमुक व्यक्ति ये लड़का ज्यादा अच्छा दिख रहा, काश मेरा बच्चा ये होता ना, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा या बेटी अच्छी है, हम किसी दूसरे बच्चे को देख कर नहीं कहते काश ये मेरा बेटा होता, मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं, मैं किसी दूसरे को देख के नहीं कहता कि काश ये मेरे फादर होते या मेरी मदर होती। मेरा अब ठीक है बड़े होके प्रॉपर्टी वॉपर्टी लेके लड़ाई हो जाए अलग बात है, जब तक आप बच्चे रहते हैं तो मेरा भाई और मेरी बहन ही अच्छी है, परफेक्ट, ये क्यों आता है? और फिर हस्बैंड वाइफ में ही क्यों ये फीलिंग आ जाती कि ये अच्छा है वो अच्छा है? उसका कारण क्या है कि बाकी सारे संबंध पति पत्नी के अलावा आप लेके पैदा होते हैं, तो उनमें डिवोशन और उनके साथ कनेक्शन एक अलग डायमेंशन पे होता है, क्योंकि आप में मानते हैं दिस इज माय डेस्टिनी, यही मेरा है, जहां पे आप सिलेक्शन करते हैं वहां फीलिंग आती है सिलेक्शन में मुझसे गलती तो नहीं हो गई, सिलेक्शन में मैंने ये तो नहीं कर लिया, और वहां से समस्या आनी शुरू होती है, इसलिए मेरा मानना है। और मैं ये भी बात बता दूं, किसी को गलतफहमी नहीं रहना चाहिए, अगर आप बिल्कुल साइंटिफिकली देखें तो कोई भी व्यक्ति कहता ना कि मुझे अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये मेरा लाइफ पार्टनर है ना, किसी को दूसरे से कोई प्यार नहीं होता, साइकोलॉजिकली सोचिए, आप अपने मन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक खांचा बना के घूम रहे होते हैं, और उस खांचे में जो फिट हो जाता है वही आपको अच्छा लगने लगता है, यानी आप दूसरों में अपने को देख रहे होते हैं, आप दूसरे को नहीं देख रहे होते, तो कोई दूसरे से प्यार नहीं कर रहा है, मैं ईमानदारी की बात कहूं सब अपने से प्यार कर रहे हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी को यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो कहते हैं ना आज तो उसके साथ प्रेम चल रहा था और फिर ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता, जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाती हैं, ब्रेकअप नहीं होता। तो बच्चों से मैं कहना चाहूंगा समझ लो, जिसको तुमको ये पूरी मार्केटिंग फोर्सेस और साइकोलॉजिकली तुमको ये प्रेम और प्यार कहने के बात करें, ये कुछ नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा, इसीलिए मैं तुमको वसीम बरेली साहब का एक शेर है बड़ा अच्छा, अब वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, वो पूरा शेर ये है, माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता, वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता, और आज तो उल्टा है, मर नहीं जाता नहीं, मार के काट के टुकड़े में भर के सूटकेस में भर देता है। तो मैं बच्चों से कहूंगा बी वेरी क्लियर अबाउट यू, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज लव एंड व्हाट इज अट्रैक्शन, आज की इस मेस्मराइजिंग दुनिया में आपको उसमें फंसाया जा रहा है, इसलिए अपने मदर फादर से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से सारी बातें डिस्कस करके तब जिंदगी के बारे में निर्णय लीजिए, किसी मोमेंटरी इंपल्स में निर्णय मत लीजिए, उसके तमाम दुष्परिणाम आज आपको तमाम जगहों पर नजर आते हैं। अमेजिंग, अभी आगे का भी देखेंगे कितना मजेदार होने वाला है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में जाएंगे तो और मजा आएगा। और ये बता, बिल्कुल सही बोले हैं कि प्यार, मैं इनसे कई बार ही बोलती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि देखो मेरा बिलीफ ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप पूरी जिंदगी उसके साथ रहोगे, और अगर वो चला जाता है, मतलब भगवान जी के पास चला जाता है, तो भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और जो मतलब प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आगे भी तो जिंदगी चलानी है, देखना होता है, वो करना था। मैंने कहा तो फिर वो सच्चा प्यार है ही नहीं, कि आपकी बीवी मर गई, आपका हस्बैंड मर गया और आप दूसरी शादी कर लेते हो, तो मतलब आपको पहले वाला जो भी आपका था स्पाउस, उससे आपको प्यार था ही नहीं, आप तो सिर्फ उसके साथ रह रहे थे। अगर आप सच्चा प्यार करोगे तो आप उसके जाने के बाद भी शादी नहीं करोगे, मेरा तो ये स्ट्रांग बिलीफ है। और ये कई बार मुझे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, ये लाइफ ऐसे नहीं होती, मैं कहती हूँ आई डोंट बिलीव इन इट। और ये देखिए वो सब बातें मैं साधारण लोगों के बोलता हूँ, साधारण लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, वो साधारण है, जो ट्रू जिसको प्यार है वो वैसा, वो कभी शादी नहीं करता। तो साथ दुनिया में
आजकल ज़्यादा आपको साधारण लोग नज़र आते हैं, मेजॉरिटी बहुत कम होते हैं, रेयर, जिनको इन बातों की समझ होती है। मगर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अभी तो पर्सनल बातें बताएंगे, विच इज़ वेरी नाइस। और मुझे पता ही नहीं था कि राहुल गांधी से ये बल्कि 4 महीने कुछ छोटे हैं, और ये वो राहुल गांधी अभी तक युवा नेता बन के बैठा हुआ है। वो भी बड़ा अच्छा रोस्ट किया था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।